नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में फिर से एक नई जिले में भर्ती निकली है, तो उसकी आज हम विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ अधिक लोगों को तक वीडियो पहुँच सके और उन्हें जानकारी मिल सके। तो चलिए जानते हैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में निकली भर्ती के बारे में विस्तार से। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिला सीहोर के कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग जिला सीहोर नवीन जिला पंचायत भवन प्रथम तल। ये एड्रेस है, अभी आपको बता दूं कि आपका आवेदन जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन के साथ साथ आप इसमें या तो खुद से जाकर देना है, आपको जो एड्रेस यहाँ पर आपको देख रहा है सामाजिक न्याय विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सीहोर नवीन जिला पंचायत तल में प्रथम तल में आपको देना है। जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र सीहोर में रिक्त पदों की पूर्ति है तो विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में, तो यहाँ पर विज्ञापन हो चुका है तो यहाँ पर हम पद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसकी लास्ट तारीख जो है वो 13/9/2023 से 5:30 बजे तक आपको आवेदन जमा करना है। क्लिनिकल मनोचिकित्सक की है जिसमें आपको 20,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सीनियर आर्थोटिस्ट की है जिसमें आपको 20,500 रुपये दिए जाएंगे। श्रवण सहायक जूनियर की है जिसमें आपको 16,000 रुपये दिए जाएंगे। मोबिलिटी स्ट्रक्चर की है जिसमें आपको 14,000 दिए जाएंगे। और मल्टीपर्पज की जिसमें आपको 14,500 दिए जाएंगे। और वेकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर ऑपरेटर की इसमें भर्ती है जिसमें आपको 14,500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कितने वर्ष की रहेगी, तो ये केवल आपके लिए एक वर्ष की रहेगी दोस्तों। इसमें केवल आपको एक वर्ष काम करना है और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको 1 साल के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। न्यूनतम आयु आपकी 1 जनवरी 2023 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला सीहोर का ही मान्य रहेगा। योग्यता पुनर्वास पेशावर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होने पर DMT कम योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती कर सकती है, जबकि ऐसे पेशावर उपलब्ध ना हो जाए तथापि तकनीकी श्रम शक्ति के स्थान पर गैर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 13/9/2023 तक 5:30 बजे तक आवेदन आप जमा कर सकते हैं। पंचायत भवन आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सीहोर मध्य प्रदेश नवीन जिला पंचायत भवन प्रथम तल पिन नंबर के पते पर सीधा जमा किया जा सकता अथवा डाक द्वारा प्रेषित कर सकते। पिन कोड आप अपने गूगल क्रोम से आप निकला लीजिए, ठीक है। आवेदन का प्रारूप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। आवेदन अगर आप चाहें थे कि हमें आवेदन भरने पर एक वीडियो बनाए कि संपूर्ण आवेदन किस प्रकार से भर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी जिले में भर्ती निकली है वहाँ के आवेदन किस प्रकार से भरना उसके संबंध में एक वीडियो बनाकर बता, तो आपको जरूर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाएंगे। कमेंट आप जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्दी मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप सीहोर जिले के नहीं हैं, और अगर आपका कोई सीहोर जिला का परिचय थे तो उसे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।